मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है लक्ष्य द्वीप। आओ दोस्तों, आज जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है लक्ष्य द्वीप। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको मोस्टेड भारत के जितने भी द्वीप है वो सारे बताए थे। अगर आप कंटिन्यूटी देखते आ रहे हो तो आपको याद होगा अपन ने एक बार अरब सागर के द्वीप देखे थे, दूसरी बार बंगाल की खाड़ी के द्वीप देखे थे। उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि लक्षद्वीप बहुत बड़ा एक चैप्टर बन जाता है, अंडमान निकोबार एक बड़ा चैप्टर बन जाता है। इस कारण को अपन अलग से देखेंगे, उसके बाद में मोस्टेड 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाहर कोई चीज नहीं जाता, इसके साथ अपना पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं कृपया पिछले वाले वीडियो देखें, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो और आपका कोर्स घर बैठे ही पूरा हो जाए। तो आओ दोस्तों, आज अपन देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को पहले तो मैं प्रॉपर आपको इंडिया के आधार पर दर्शा देता हूँ, फिर प्रॉपर लक्षद्वीप को बनाकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, लक्षद्वीप में इधर आपको दिखा देता हूँ, जिससे उधर मैं मीटर ले सकूं। अगर भारत के दक्षिणी भौगोलिक स्वरूप की बात करें, अगर भारत के दक्षिण, क्योंकि आपको पता है दोस्तों भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय भाग है। पिछले वीडियो में सब वीडियो में कम से कम 2 वीडियो हो गई अपन यही बात करते आ रहे हैं और हर बार भारत का डायग्राम भी बना रहे हैं। याद करो, मैंने ये भी आपको बताया था कि जो पश्चिम दिशा में पानी पाया जाता है, ये कौन सी दिशा होगी? पश्चिमी तट। इसको कहा जाता है अरब सागर। क्या कहा दोस्तों? अरब सागर। जबकि याद करो मैंने कहा था इधर वाले पानी को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। जिन भी स्टूडेंटों ने भारत का जलीय भाग जो पोर्शन है वीडियो है वो नहीं देखा है, कृपया जाकर देखें। उसमें मैंने पूरे पानी का वर्णन किया है कि एक कच्छ नाला है, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये सब कुछ मैंने बताया। नेक्स्ट, ये भारत की पश्चिम दिशा है, यहां पर जो पानी पाया जाता है इसे अरब सागर कहा जाता है। यहां पर जो ये द्वीप पाए जाते हैं इन्हें लक्षद्वीप कहा जाता है। क्लियर? यानी लक्षद्वीप में अरब सागर में पाए जाते हैं, भारत के पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं। अब मैं प्रॉपर लक्षद्वीप बनाकर दिखा देता हूं। तो लक्षद्वीप में सबसे ऊपर एक द्वीप आते हैं, फिर उसके नीचे जस्ट छोटे छोटे द्वीप आ जाते हैं, ऐसे ये छोटे छोटे इस प्रकार के द्वीप आ जाते हैं। क्लियर? नहीं, फिर इसके नीचे पानी आ जाता है, फिर लक्षद्वीप का एक और द्वीप आ जाता है। क्लियर? फिर इसके नीचे पानी आ जाता है, फिर एक और द्वीप आ जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो सबसे पहले आप द्वीप देख रहे हो ना, इसका नाम है अमीन द्वीप। क्लियर? ये द्वीप जो आप देख रहे हो ये है अन्य द्वीप, यानी लक्षद्वीप के जो छोटे मोटे सारे द्वीप मान लो। ये जो आप पानी देख रहे हो ना, इसे कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। अब बात आती है दोस्तों कि ये चैनल का मतलब क्या होता है? तो चैनल का मतलब होता है सागर। अब सबसे खास बात ये होती है कि 9 डिग्री क्या होता है। आप कई बार जैसे जो रूपी में कोई किताब पढ़ते हो, कोई टीचर आपको पढ़ाता है, अदर भी कोई चीज करते हो कि यहाँ पर 10 डिग्री चैनल पाया जाता है, यहाँ 9 डिग्री चैनल पाया जाता है, यहाँ 7 डिग्री चैनल पाया जाता है, तो ये चीज क्या है? क्लियर? ये डिग्री क्या है? तो दोस्तों ये है अक्षांश। याद करो मैंने आपको अक्षांश चैप्टर पढ़ाया था, शायद 3rd या 4th नंबर का वीडियो होगा। आप प्रॉपर जाकर देखो, मैंने कहा था पृथ्वी को बीच में से भूमध्य रेखा नामक अक्षांश काटता है, फिर उसके ऊपर आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां से जो अक्षांश रेखा जाती है उस पानी को उस चैनल के नाम से जाना जाता है। यानी इस पानी में से कौन से अक्षांश रेखा जाती है? 9 नंबर की। इस कारण से कहा जाता है 9 नंबर का सागर, यानी 9 डिग्री चैनल। फिर इसके नीचे आपको यह द्वीप दिखाई दे रहा है, ये लक्षद्वीप का भाग है जिसका नाम है मिनी कोल। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा है मिनी कोल। फिर इसके नीचे क्या आपको यह पानी दिखाई दे रहा है, यहां से 8 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है, इस कारण से कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। क्लियर? फिर आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये भी एक द्वीप है लेकिन इसका नाम है माल द्वीप। और ध्यान रखें दोस्तों, मालदीव अपने भारत का हिस्सा नहीं है, ये अपने आप में एक देश है। यानी अपना जो लक्षद्वीप पाया जाता है वो यहां से यहां तक पाया जाता है। क्लियर? अब सबसे पहले तो अपन डायग्राम में से क्वेश्चन उठा लेते हैं कि अपने से क्या क्या क्वेश्चन उठा किए जा सकते हैं। सामने देखते हुए चलना, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो लक्षद्वीप है भारत की किस दिशा में पाया जाता है, तो ध्यान रखना यह है पश्चिम दिशा में पाया जाता है। नेक्स्ट, यह है भारत के किस सागर में पाया जाता है, तो यह है भारत के
अरब सागर में पाया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत के वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश है, और इसका भी वीडियो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है कि भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश क्या है और उनकी विशेषता क्या है, वो कहां कहां पाए जाते हैं। क्लियर? तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां से मैप में दिखाते हैं, क्या आपको ऊपर ही ऊपर अमीन दीवी दिखाई दे रहा है क्या? तो क्वेश्चन क्या बनेगा, लक्षद्वीप का उत्तर का या सबसे ऊपर का लिख देते हैं, सबसे ऊपर का जो द्वीप है तो सबसे पहले आता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अमीन दीवी। यानी अमीन दीवी सबसे पहले आते हैं, फिर उसके बाद में शेष सारे द्वीप आते हैं। अब आप नोटिस करना, अपना लक्षद्वीप यहीं तक पाया जाता है। क्लियर? फिर आगे सारे द्वीप, फिर पानी, फिर ये लास्ट द्वीप। यानी आपसे पूछा जाएगा सबसे नीचे का, यानी सबसे दक्षिण का, यानी सबसे अंत का कौन सा द्वीप होता है, उसका नाम होता है मिनिकोय। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंत का या दक्षिण का सबसे अंतिम द्वीप कौन सा होता है, तो उसका नाम होता है मिनिकोय द्वीप। क्लियर? ये सबसे लास्ट में आता है। अब आप नोटिस करना, आपको एक पॉइंट दिखाई देगा जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। क्लियर? ये 9 डिग्री चैनल आप नोटिस करना, ये पानी है, ये किससे किसको अलग कर रहा है, तो ये लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप हैं उनको किससे अलग कर रहा है, मिनिकोय से। तो आपसे पूछा जाता है लक्षद्वीप के द्वीपों और मिनिकोय के बीच में जो पानी पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, 9 डिग्री चैनल। तो यानी ये किस किस के बीच में, लक्षद्वीप के द्वीप व मिनिकोय। तो यह किस किस के बीच में आ जाता है, लक्षद्वीप के द्वीप और मिनिकोय के बीच में आ जाता है। अब नोटिस करना, क्या आपको 8 डिग्री का चैनल दिखाई दे रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा 8 डिग्री का चैनल किससे किसको अलग करता है, लक्षद्वीप का ही हो गया लास्ट, तो लक्षद्वीप को मालदीव यानी एक देश से अलग करता है, और अंत में कौन सा है, तो कई बार आ जाता है मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 डिग्री चैनल किससे किसको अलग करता है, लक्षद्वीप को, और लक्षद्वीप अगर ऑप्शन में ना हो तो मिनिकोय ऑप्शन में लिखा होगा दोस्तों, इसको किससे अलग करता है, तो इसको मालदीव से अलग करता है। अच्छा, मालदीप है, जो मालदीव है ये कौन सा द्वीप है, तो ध्यान रखना ये एक देश है, यानी एक द्वीपीय देश कहा जाता है, ऐसा देश जो केवल एक द्वीप पर ही बसा हुआ है। तो प्रॉपर अभी तक तो नक्शा ही चल रहा है, ध्यान रखना इसके जितने भी डिटेल है वो तो अभी आना स्टार्ट होगी, तो आपको प्रॉपर पता रहना चाहिए बाकायदा नक्शा वाइज कि किसके बीच में कौन सा पानी पाया जाता है, ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा द्वीप पाया जाता है, और किसके बीच में कौन सा सागर पाया जाता है। चलो यहीं से एक और जानकारी उठा लेते हैं, चैनल। चैनल का मतलब क्या होता है, सागर, और इनको नंबरिंग किसके आधार पर दी जाती है, अक्षांश रेखा के आधार पर इनको नंबरिंग दी जाती है। क्लियर? इसके अलावा यहां पर और कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं, तो यहां पर कवारती द्वीप भी पाया जाता है। क्लियर? यहां पर एंडोरोय द्वीप पाया जाता है, मिनिरोय द्वीप पाया जाता है, इसके अलावा यहां पर लक्का द्वीप पाया जाता है, और इलायट जी का द्वीप भी पाया जाता है। क्लियर? अच्छा, इनकी क्या विशेषता है, जो ये कवारती द्वीप है, ये कवारती द्वीप वर्तमान में यहां की राजधानी है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारती, और कवारती क्या है, अपने आप में द्वीप। अच्छा, इंडोरोय और मिनिरोय क्या है, ये हैं सबसे बड़े द्वीप। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है, इंडोरोय, और दूसरा क्या है, मिनिरोय। क्लियर? और लक्षद्वीप और इलायची द्वीप के क्या है, अन्य द्वीप। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ लक्षद्वीप कहां पर पाया जाता है, कई बार आ जाता है इलायची का द्वीप कहां पाया जाता है, दोस्तों क्या होती है, इलायची एक पहाड़ी है जो कर्नाटक में पाई जाती है। कई स्टूडेंट क्या होता है, इलायची की पहाड़ी में कंफ्यूज में आकर और इलायची द्वीप को भी कर्नाटक कर देते हैं। तो ध्यान रखना, इलायची का द्वीप लक्षद्वीप में पाया जाता है, लक्षद्वीप भी लक्षद्वीप में।
पाया जाता है। इससे आपको क्या होगा, इससे कम से कम आपको लक्षद्वीप के द्वीपों के नाम याद हो जाएंगे। क्या मैं सच कह रहा हूँ, याद हो जाएंगे। ये देखो अमीन द्वीप यहाँ का द्वीप है, ये देखो कवारत्ती यहाँ का द्वीप है, इंडोरॉय द्वीप है, मिनीरॉय द्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप है, इलायची द्वीप है। इससे कम से कम आपको इतना तो पता चल जाएगा कि अगर एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप है या यह द्वीप कहाँ पाया जाता है, तो आपका प्रॉपर माइंड यहाँ पर सटीक हिंट मार देगा, अच्छा इसकी तो ये विशेषता होती है। और इनकी विशेषता क्या है वो भी आपके सामने लिखी हुई है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनका निर्माण कैसे हुआ, तो ध्यान रखना दोस्तों इनका निर्माण ज्वाला मुखी से बताया जाता है। कहा जाता है कि लक्षद्वीप है यहां पर पहले कोई ज्वालामुखी पटा था, फिर ज्वालामुखी के छोटे 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 पठार बन गए, आज इन छोटे छोटे पठारों को ही लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप बना कैसे है, तो यह मान्यता है ज्वालामुखी विस्फोट से, क्योंकि उसका लावा निकला और जम गया, आज उसी को वर्तमान में लक्षद्वीप कहा जाता है। 1973 में किसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था? आपसे कई बार पूछा जाता है कि लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब रखा गया था, 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। आपसे पूछा जाएगा यहां पर कुल द्वीप कितने पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना लक्षद्वीप में कुल टोटल 36 द्वीप पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं आबादी वाले द्वीपों की बात करूं कि यहां पर आबादी वाले द्वीप कितने हैं, तो यहां पर आबादी वाले केवल 10 द्वीप ही पाए जाते हैं, जिनमें से आप नोटिस करना 6 द्वीपों के नाम तो मैं बता चुका हूं, मिनीकॉय है, इधर आ जाओ कवारत्ती है, एंडोरॉय है, मिनीरॉय है, लक्षद्वीप है, इलायची द्वीप है, तो ये 6 तो आ गए। इसमें है तो 36 द्वीप, लेकिन उसमें रहने वाले केवल 10 ही द्वीप पाए जाते हैं। अच्छा बाकी फिर 26 द्वीप कहां पर है, तो दोस्तों या तो वो दलदली इलाके में है या जलमग्नि इलाके में है, जहां पर जनजाति नहीं रह सकती है, अगर रही तो मर जाएगी। तो आपसे पूछा जाता है यहां पर द्वीप कितने हैं, 36, लेकिन रहने योग्य द्वीप कितने हैं, 10। अच्छा आगे की बात करते हैं। ओहो तो दोस्तों फिर मैं ऐसा करता हूं, इस पोर्शन को मैं यूटिलाइज कर लेता हूं। क्लियर? आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये जो लक्षद्वीप आप देखते हो ये टोटल कितना लंबा है, तो ध्यान रखना दोस्तों 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि लक्षद्वीप है ये टोटल कितना बड़ा है, तो ध्यान रखना है 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 32 किलोमीटर नहीं वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर में, तो ये इसका क्षेत्रफल है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो लक्षद्वीप है इसका टोटल क्षेत्रफल कितना होता है, तो 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। अच्छा अगर देखना चाहिए टोटल कितनी दूर है, तो क्या आपको केरल पता है क्या? चलो मैं यहीं पर बता देता हूं, यहां पर पाया जाता है केरल। केरल से 300 किलोमीटर दूरी पर पाया जाता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत से कितनी दूरी पर, यानी स्थलीय भाग से कितनी दूरी पर पाया जाता है, तो केरल से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर पाया जाता है। यह होता है दोस्तों अपना मोस्ट फेवरेट पोर्शन जिसका नाम था लक्षद्वीप। क्लियर? इसके बाद में जो सबसे लास्ट एंड मोस्ट फेवरेट द्वीप बचेगा जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों अपने पूरा प्रॉपर जो जलीय सीमा है इसको पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको बताया है अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, इनमें कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं, अरब सागर के कौन से हैं, बंगाल की खाड़ी के कौन से हैं, उनकी क्या विशेषता है, वहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है। अरब सागर का एक द्वीप रह गया था जिसका नाम था लक्षद्वीप, उसको आज अपन ने देख लिया है, आओ फिर से इसके बारे में देखते हैं और माइंड में सेट करते हैं कि ये क्या चीज है। सबसे पहले आपने देखा है कि यह पश्चिम भारत की पश्चिम दिशा में पाया जाता है, यह भारत के अरब सागर में पाया जाता है, करेक्ट, यह वर्तमान में भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सबसे देखो ये यहां पर आ गया पश्चिम दिशा में अरब सागर में केंद्र शासित प्रदेश। अभी देखो इसका सबसे उत्तर का पहला क्वेश्चन या सबसे ऊपर का कौन सा द्वीप पाया जाता है, तो अमीन द्वीप। या कई बार क्वेश्चन आ जाता है पहला द्वीप कौन सा आता है, अमीन द्वीप, यानी इसका सबसे ऊपर का उत्तर का या पहला द्वीप कौन सा आता है, अमीन द्वीप। फिर यह कहां पर जाकर खत्म हो जाता है, मिनीकॉय पर जाकर खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह आ सकता है सबसे लास्ट सबसे नीचे या अंतिम द्वीप कौन सा पाया जाता है, तो ध्यान रखना अंत का जो दक्षिण द्वीप पाया जाता है उसका नाम होता है मिनीकॉय। बीच-बीच में मैंने आपको पानी बताया है जिसे चैनल कहा जाता है, तो यहां पर मैंने आपको समझा भी दिया चैनल का मतलब होता है सागर, जिनको नंबरिंग किसके आधार पर
दिया जाता है, अक्षांश रेखाओं के आधार पर नंबरिंग दी जाती है। आप नोटिस करना या नोटिंग भी चैनल पाया जा रहा है तो ये किससे किसको अलग करता है, लक्षद्वीप के द्वीपों को मिनी कोए से अलग करता है, यानी नोटिंग चैनल लक्षद्वीप के द्वीपों को मिनी कोए से अलग करता है। फिर बात आती है 8 डिग्री चैनल, तो यह लक्षद्वीप के मिनी कोए को मालदीव जो वर्तमान में एक देश है उससे अलग करता है, यानी लक्षद्वीप को और कभी कभी आ जाता है लक्षद्वीप, मिनी कोए को मालदीव यानी एक देश से अलग करता है। यहां पर एक द्वीप आया जाता है कवारत्ती द्वीप, वर्तमान में यह लक्षद्वीप की राजधानी है। यहां पर दो द्वीप आए जाते हैं एंडोरोए द्वीप और मिनी रोए द्वीप, ये लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दो अन्य द्वीप भी पाए जाते हैं लक्षद्वीप और इलायची द्वीप, यहाँ पर जनजातियां रहती है। इसका जो लक्षद्वीप का निर्माण माना जाता है, कहा जाता है ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा जमा उससे जो छोटे छोटे पठार बन गए उन्हें वर्तमान में आज लक्षद्वीप कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब रखा गया था, 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप पाए जाते हैं, तो इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन जितने रहने वाले आबादी युक्त द्वीप कितने पाए जाते हैं, तो रहने वाले यहाँ पर केवल 10 द्वीप ही पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप है तो टोटल कितना बड़ा है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर, केवल 32 वर्ग किलोमीटर, 32 किलोमीटर भी नहीं, 32 वर्ग किलोमीटर ही पाया जाता है। यह भारत की स्थलीय सीमा से कितनी दूर पाया जाता है, तो केरल से यह है 300 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। दोस्तों यह होता है अपना लक्षद्वीप, जिसे वर्तमान में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो अरब सागर में बसा हुआ है। मैं कुछ देर दूर हो जाता हूँ, आप चाहो तो ध्यान रखना इसका डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए और इसका विस्तार भी आपको पता होना चाहिए, माइंड में सिस्टमेटिक मैप रहना चाहिए, तभी जाकर आपके आंसर करेक्ट होंगे। और अगर आप सिविल की लेवल की तैयारी कर रहे हो तो माइंड जब में आपके माइंड में ये सारा सिस्टमेटिक जचा हुआ रहेगा तभी आप इसके बारे में अपने विचार प्रकट कर पाओगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो और आराम से लिख भी सकते हो। दोस्तों ये होता है हमारा नेक्स्ट वीडियो जिसका नाम था लक्षद्वीप। इसके बाद में द्वीपों का लास्ट के एक वीडियो अपने सामने आएगा जिसका नाम रखा जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद में मैं आपको मोस्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, पहला चैप्टर समाप्त करेंगे और इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे वो उठाएंगे भारत की प्रवाह प्रणाली यानी नदियां, और उसमें देखेंगे भारत की मोस्टेड नदियां और उनकी विशेषताएं। बस आपको एक ही काम करना है, आपको चैनल पर कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है जिससे सारा का सारा मेटर आपके पास घर बैठे बैठे आ जाए, जैसे हिस्ट्री का प्रॉपर मेटर आपके पास आ चुका है। हाँ दोस्तों एक बात बताना भूल गया था कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आज पहली बार देख रहा है दूसरी बार देख रहा है, तो हिस्ट्री के पूरे 84 से लेकर 90 वीडियो जिसमें पूरा हिस्ट्री का मेटर आ चुका है, चाहे वो मुगल हो, सल्तनत हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, एक्ट हो, करंट हो, योजनाएं हो, सबके सब बनाकर प्लेलिस्ट में बाकायदा अलग अलग सेपरेशन के साथ डाल दिए गए हैं। आप जाइए वहां पर देखिए, और जो भी न्यू स्टूडेंट है इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे हमारा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे, वो खुद आकर कहे कि हम आ गए। और अगर आपको लगता है कि पढ़ाने का मेटर और पढ़ाने का जो फॉर्मूला है और जो आपका डाटा है ये सबसे यूनिक है और अपने किसी दोस्त की भी हेल्प करनी चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। कुछ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसे भी देखते रहिए और आराम से घर बैठकर ही तैयारी करते रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।